दोस्तों अगर आप अपने नॉर्मल पीसी में और लैपटॉप में फ्री फायर गेम को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो विदाउट एमुलेटर एंड आप लोग स्मूथली गेम प्ले करना चाहते हो तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं आप सबसे दिल से माफी चाहूंगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। सो दोस्तों अगर आपके पास एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है, नॉर्मल सा आपके पास एक लैपटॉप है तो आप उसके अंदर फ्री फायर गेम को कैसे आप लोग डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एमुलेटर डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी एमुलेटर है आपको किसी भी एमुलेटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग फ्री फायर गेम को आप अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में डाउनलोड करके आप लोग इंस्टॉल करके आप लोग यहाँ पे प्ले कर पाओगे। तो कैसे प्ले करना है मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो कैसे आप अपने नॉर्मल से कंप्यूटर में और लैपटॉप में फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर पाओगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर में और पीसी में फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना चाहते हो विदाउट एमुलेटर, आप लोग किसी भी एमुलेटर के बगैर आप लोग फ्री फायर गेम को आप अपने पीसी में प्ले करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड मेरे पीसी में आप लोग देख सकते हो फ्री फायर गेम इंस्टॉल है। तो सबसे पहले आपको आपका मनपसंद ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको सर्च करना होगा गूगल प्ले गेम बीटा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको गूगल प्ले गेम बीटा सर्च करना होगा एंड सर्च करने के बाद जो पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से वेबसाइट का लिंक देख लीजिए, जो सिंपली आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना होगा एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक मोबाइल गेमिंग टू योर पीसी। तो इसके मदद से आप किसी भी मोबाइल गेम को आप अपने पीसी में और लैपटॉप में खेल सकते हो। तो नीचे जो डाउनलोड बीटा का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो फाइल डाउनलोड होगा आप उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए एंड डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रन के ऊपर क्लिक करना होगा। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पीसी के ऊपर इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल का ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना पे ट्रस्ट बन जाता है। तो आपको इसको आपको डाउनलोड करना होगा आपके पीसी में गूगल प्ले गेम। तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए, लगभग यहाँ पे 700 से ज़्यादा यानी कि 800 MB के आसपास है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कीजिए एंड ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे लॉगिन वगैरह मांगेगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है साइन इन विथ योर गूगल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो आपका जो ब्राउज़र ओपन होगा उसके ऊपर गूगल अकाउंट देख के यानी कि आपका जो जीमेल है जीमेल आईडी डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट करके पासवर्ड डाल के आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपका ये अकाउंट है यहाँ पे कंफर्म पूछेगा, तो यहाँ पे लुक्स गुड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है सब कुछ पढ़ के यहाँ पे आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का आपको होम पेज देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर गूगल प्ले गेम बीटा। इसके ऊपर आपको कुछ इस टाइप का होम पेज देखने को मिल रहा है। तो नीचे कुछ यहाँ पे डाउनलोड होगा, इसका कुछ एक्सटेंशन फाइल वगैरह होगा, सेटअप फाइल होगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पे 90% हो चुका है तो आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना होगा। बेसिकली ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड होने देना होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, अगर आप स्क्रॉल करके नहीं मिलते तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फ्री फायर। तो यहाँ पे आपको फ्री फायर सर्च करने के बाद फ्री फायर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्री फायर मैक्स देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस एप्लीकेशन को अपने पीसी में चलाने के लिए कैसा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आपके पास 4 CPU वाला यहाँ पे कोर वगैरह है तो आप लोग इसको चला सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम 8 GB RAM आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे चला सकते हो। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है आप लोग यहाँ पे देख लेना एंड देखने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पीसी में फ्री फायर गेम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 4% हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7% हो गया है,
8%। तो आपको अपने पीसी में फ्री फायर गेम को ऐसे इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों फ्री फायर गेम डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने के बाद आप लोग फ्री फायर गेम को ओपन कीजिए एंड गेम को ओपन करने के बाद आपके पीसी में फ्री फायर गेम ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद पहले टाइम में कुछ परमिशन मांगेगा, आपका अकाउंट लॉगिन करने के लिए बताएगा, तो आप लोग लॉगिन कर लीजिए। जो परमिशन मांगेगा परमिशन सब कुछ आप लोग अलाउ कर देना। एंड अलाउ करने के बाद बात करते हैं आप लोग इसके ऊपर की मैपिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, इस एप्लीकेशन के अंदर की मैपिंग करने के लिए आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है। आप लोग उस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख लेना कि कौन सा की प्रेस करने पर क्या मोमेंट होगा, सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, की मैपिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बिना किसी एमुलेटर के आप अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में आप लोग फ्री फायर गेम को ईजिली एंड स्मूथली खेल सकते हो। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी चाहो तो शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।